गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में अब तक क्या अपडेट्स हैं। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप आराम से वीडियो पॉज कर करके भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे वो इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताया गया है परसेंटेज मार्क्स, उसके बाद लेटर ग्रेड, उसके बाद ग्रेड पॉइंट्स। अगर आपकी 90 से लेकर 100 के बीच में परसेंटेज आएगी तो आपको जो ग्रेड मिलेगा वो होगा ओ, मतलब आउटस्टैंडिंग, और ग्रेड पॉइंट्स होंगे 10। उसके बाद अगर आपकी परसेंटेज 80 से 90 के बीच में आएगी तो आपको ग्रेड मिलेगा ए प्लस, मतलब एक्सीलेंट, और ग्रेड पॉइंट 9। उसके बाद अगर आपकी परसेंटेज 70 से 80 के बीच में होगी तो आपको ग्रेड मिलेगा ए, मतलब कि वेरी गुड, और ग्रेड पॉइंट 8। अगर आपकी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में होगी तो आपको ग्रेड मिलेगा बी प्लस, मतलब गुड, ग्रेड पॉइंट 7। और अगर आपकी परसेंटेज होगी 50 से 60 के बीच में तो आपको ग्रेड मिलेगा बी, मतलब अबव एवरेज, और ग्रेड पॉइंट होंगे 6। और अगर आपकी परसेंटेज 40 से 50 के बीच में होंगी तो आपको जो ग्रेड मिलेगा वो मिलेगा सी, मतलब कि एवरेज, और ग्रेड पॉइंट होंगे 5। और अगर आपकी परसेंटेज 35 से 40 के बीच में होगी तो आपको ग्रेड मिलेगा पी, मतलब कि पास, और ग्रेड पॉइंट्स होंगे 4। और अगर आपकी परसेंटेज बिलो 35 होंगी, मतलब कि 35 से नीचे परसेंटेज होगी, तो आपको ग्रेड मिलेगा एफ़, मतलब कि फेल, ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 0। और अगर आप एब्सेंट भी होंगे तो भी आप फेल होंगे, ग्रेड आएगा वहाँ पर एफ़, मतलब कि फेल, और ग्रेड पॉइंट्स होंगे 0। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा ग्रेडिंग टेबल।